चल गया। हाँ चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यमाई टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करने का तरीका, यानी अगर हमारे पास कोई रिले या ओएलपी नहीं है और इस कंप्रेसर को चलाना है तो इसको हम डायरेक्ट कैसे चालू करेंगे। हमारे पास ये कंप्रेसर है जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और ये फ्रिज में प्रयोग होने वाला कंप्रेसर है, इसी को हम चालू करेंगे और डायरेक्ट चालू करेंगे। डायरेक्ट चालू करने का मतलब है कि हमारे पास रिले ओएलपी अगर ना हो या फिर किसी फ्रिज को आप बनाने जा रहे हैं और उस कंप्रेसर को चेक करना है कि वो सही है या नहीं सही है, तो कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाना होता है। डायरेक्ट चलाने के लिए आपको कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करना पड़ेगा और डायरेक्ट चालू करने से पहले आपको इसमें कामन रनिंग और स्टार्टिंग कंफर्म करना होगा। तो कामन रनिंग स्टार्टिंग की वीडियो पहले भी बन चुकी है, तो चलिए आपको शॉर्ट में जल्दी से आज भी बता देते हैं। और अगर उसी वीडियो को पहले वाली को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो यहां पे हम देखिए कामन रनिंग स्टार्टिंग को चेक करेंगे। सबसे पहले कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कुछ नंबर बताता है, कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे और इसमें जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होगा उन दोनों पिनों को छोड़कर बची हुई तीसरी पिन कामन की होगी। तो यहाँ पर देखिए 29 बचा बता रहा है और यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बताता है। यहाँ पे बता रहा है 54 और तीसरे पॉइंट पे यहाँ पे 26। तो जिसपे सबसे ज्यादा बता रहा है ये, यानी कि जो पॉइंट है ये 54, ये सबसे अधिक बता रहा है 54, यानी जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होता है उसके अलावा जो तीसरी पिन बची हुई है यानी जिसपे इस समय मल्टीमीटर का तार नहीं रखा हुआ है वो कामन का पॉइंट होता है। यानी इसलिए हमें ये कंफर्म हो जाता है कि बीच वाला पॉइंट कामन है। जब हमें कामन कंफर्म हो जाए तो मल्टीमीटर के एक पॉइंट को हम इस कामन पे रख लेते हैं और ये जो दूसरा पॉइंट है इन दोनों पे नीचे के दोनों पॉइंटों पे यहाँ पे बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में सीरीज का बल्ब मल्टीमीटर में देखेंगे कि किसी एक का मान ज्यादा थोड़ा सा और किसी का कम बताएगा। देखिए यहाँ पे 29 बता रहा है और यहाँ बता रहा है 26। तो जिसका मान इसमें अधिक बताता है वो पॉइंट होता है स्टार्टिंग का और जिसका मान कम बताता है वो पॉइंट होता है रनिंग का। जिसका मान अधिक बताएगा वो स्टार्टिंग का और जिसका मान कम बताएगा वो रनिंग का। स्टार्टिंग में अधिक क्यों बताता है, क्योंकि मोटर में स्टार्टिंग की बाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है, चाहे कोई भी मोटर उसमें स्टार्टिंग की बाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है। ये हमने कामन रनिंग स्टार्टिंग चेक कर लिया कि हमारा ऊपर वाला पॉइंट कामन है, दाहिने का इधर रनिंग है और बाएं साइड में स्टार्टिंग है, ये हमारा हो गया। और उसके बाद ये मल्टीमीटर को ऑन करना, देखिए हमने बताया पहले कि यहाँ पे स्पीकर के पास ये है, यहीं पे इसको ऑन करना, यानी ये सबसे ऊपर का पॉइंट ऑफ रहेगा और यहाँ पे पहले पॉइंट पे रहेगा जहाँ पे ये कंटिन्यूटी बताता है, यहाँ पे ऑन करके हमने चेक किया है। तो चलिए कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करके देख लेते हैं। तो एक तार हमारे पास है, इस थिम्बल लगा हुआ है यहाँ पे, ये थिम्बल होता है, और एक इस तार को हम डायरेक्ट अभी कामन में लगा देते हैं। एक पॉइंट जो हमारा कामन है तो इसको हम कामन में डायरेक्ट लगा देते हैं और ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है इसको हम खोज देते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में किसी एक को, और एक को खोज देते हैं रनिंग वाले में। चलिए मैं एक कामन में, एक रनिंग में, एक स्टार्टिंग में, देखिए हमने तीनों में पॉइंट तो खोज दिया लेकिन कनेक्शन तीनों में नहीं देंगे। कनेक्शन किस में देंगे, एक तो ये जो कामन वाला है और ये जो दूसरा जो है रनिंग वाला। स्टार्टिंग में कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जब लाइट सप्लाई दे देंगे तो यहाँ से ऐसे शार्ट मारेंगे, कंप्रेसर मोटर स्टार्ट होगा। चलिए शार्ट मार के दिखाते हैं आपको दगा कर। ये देखिए हमारा मेन लीड का तार है, इस मेन लीड को हम कनेक्शन में जोड़ देते हैं न्यूट्रल और फेस में, एक में ये कामन में, एक रनिंग में जोड़ देते हैं। कोई भी न्यूट्रल या फेस कोई भी किसी में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, शार्ट वगैरह कुछ नहीं होगा। यहाँ से हमने डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस को यहाँ पे जोड़ दिया है। अब यहाँ से हम इसको प्लग में लगाएंगे और प्लग में लगाने से हमारा ये जो है कंप्रेसर मोटर को प्लग में लगाएंगे और लगाने के बाद इसको शार्ट मार के स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दिखा देते हैं, लगाइए प्लग, वहाँ दिखाइए, वहाँ दिखाइए वीडियो, इधर दिखाइए, चलिए इधर दिखाइए, निकालो एक बार। चलिए प्लग में लगाने के तुरंत बाद देखेंगे, जैसे ही देखिए तुरंत प्लग में लगाते हैं तुरंत इसको शार्ट मारते हैं, अगर थोड़ी देर किए तो कंप्रेसर जल भी सकता है, इसलिए तुरंत इसको शार्ट मारते हैं। तो चलिए लगा के दिखाते हैं तुरंत, लगे देखिए ये कंप्रेसर जो है अभी थोड़ा नीचे से फ्री था इसलिए कोई पकड़ा नहीं था, इसलिए ये तुरंत चालू हो गया। देखिए तो इस तरह से ये शार्ट मार के स्टार्ट किया जा सकता है, इसको पकड़िए तो स्टार्ट कर दिया गया। देख सकते हैं आप यहाँ से प्रेशर को खींच रहा है, ये जो पाइप है ये सक्शन लाइन वाली पाइप, यहाँ से प्रेशर को ये खींच रहा है और इधर डिस्चार्ज लाइन की पाइप है यहाँ पे जहां से ये प्रेशर को फेंकता है, यहां से ये डिस्चार्ज लाइन। इस तरह से कंप्रेसर को हम डायरेक्ट चला करके देख सकते हैं कि कंप्रेसर सही है या न सही है। अगर ये सही है तो फिर हम अपने रिले ओएलपी को चेक करते हैं कि वही खराब होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें बस।